रोजाना ऑनलाइन सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं और वो इंस्टॉल नहीं हो पा रही है तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो 100% काम करेगा। क्योंकि 90% लोगों को पता ही नहीं होता है जब भी प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फटाफट से इसको लाइक करके शेयर जरूर कर देना और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड ना हो तो क्या करें, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। जैसे कि आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे सबसे ऊपर ही आपको आपके नाम का लोगो मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अपने नाम पर क्लिक करने के बाद अब आपको प्ले स्टोर में आना है नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन पर। हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको जो सेटिंग बता रहा हूँ आप बहुत ही ध्यान से समझिए, इन्हीं को आपको अप्लाई करना है अपने मोबाइल में, जब भी आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। तो जैसे कि आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर आएंगे सबसे ऊपर आपको जनरल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको नीचे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अकाउंट एंड डिवाइस परफॉर्मेंस प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर नीचे जाना है। और जैसे कि आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके नीचे आपको मिलेगा क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो सर्च हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों कभी कभी होता क्या है, जब आप प्ले स्टोर से कुछ ज्यादा सर्च कर लेते हैं तो ये इस वजह से भी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो पाती है। चलिए मैं आपको दूसरी सेटिंग बताता हूँ, इसके लिए हम दोबारा से बैक आएंगे सेटिंग में। तो जैसे कि हम बैक आएंगे तो हमें क्या करना है, हमें जर्नल के नीचे नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन हमें मिलेगा ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या फिर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको अपने मोबाइल डाटा से इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर वाईफाई से, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ओवर वाईफाई ओनली वाले पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे वो नहीं होगी, तो आपको करना क्या है, ओवर एनी नेटवर्क या फिर आपको ये तीसरा वाले पर क्लिक करना है और इसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको ऑटो अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ऑटो अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली और डोंट ऑटो अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरे वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके रखना है, डोंट ऑटो अपडेट, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कभी कभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटो अपडेट में चलती रहती है, जिसकी वजह से आप कोई भी नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो इंस्टॉल नहीं हो पाती है। ये दूसरी सेटिंग भी हमारी हो चुकी है, डन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें तीसरा ऑप्शन मिलेगा ऑटो प्ले वीडियोस, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें डोंट ऑटो प्ले वीडियोस का ऑप्शन पर क्लिक करना है और डन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारी दो सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद सेटिंग में ही हमें सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अबाउट का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे अबाउट वाले ऑप्शन पर आएंगे और अबाउट वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा नीचे प्ले स्टोर वर्जन। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपडेट प्ले स्टोर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका प्ले स्टोर अपडेट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, 5-10 मिनट लगेंगे और इसके बाद भी आपकी जो प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएंगी। अब दोस्तों अगर आपने ये सभी सेटिंग अपने मोबाइल में पहले से ही कर ली है और अब भी आपके प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही है तो अब जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ वो 100% काम करेगी। इसके लिए आपको सब कुछ कट करना है और आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में। जैसे कि आप मोबाइल की सेटिंग में आएंगे इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास ओप्पो वीवो एमआई सैमसंग किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो आपको एप्स वाले ऑप्शन में ही जाना है सेटिंग में जाके। जैसे कि आप एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको जाना है मैनेज एप्स वाले ऑप्शन में। तो चलिए हम मैनेज एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैनेज एप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा और नीचे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को ढूंढना है जिसका नाम है प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर ढूंढने में काफी समय लगने वाला है तो इसलिए आप यहाँ पर इसको सर्च कर लीजिए। तो जैसे कि हम सर्च पर क्लिक करेंगे हमारे सामने दो एप्लीकेशन आ चुकी है, गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। जैसे कि आप गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर डाटा का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैश का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप इसको क्लियर करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। अगर फिर भी काम ना करे तो आपको यहाँ पर दोबारा से बैक करना है और यहाँ पर जो आपको गूगल प्ले सर्विस का ऑप्शन मिल रहा है एप्स में जाके आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद क्लियर कैश पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अगर ये सभी सेटिंग आप अपने मोबाइल में एक बार कर लेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से वो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको बताया है एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें, ये 100% काम करता है। इसमें से सभी सेटिंग आप अपने मोबाइल में एक बार करके देख लीजिए, फिर आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों अगर अभी भी आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, इसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे ये लाइफ टाइम आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो रोजाना ऑनलाइन सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।